सो हे बट इज अब गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू पोकेमॉन ट्रेनर कैनन वीडियो। एंड आई नो यार ये पोकेमॉन ट्रेनर कैनन की वीडियो नहीं है, बट ये वीडियो है लेजी ट्रेनर्स टूर्नामेंट का। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा एक टूर्नामेंट चल रहा था एंड इस बार बारी आ चुकी थी तुम्हारे भाई की। एंड तुम्हारे भाई के साथ कौन है? गेमिंग टैक्टिक्स, ठीक है, मतलब द प्रोफेसर ओक ऑफ ट्रेनर कैनन, जिसको यार सब कुछ पता है। एक्चुअली मतलब मुझे लगता है ऐसा कि उसको सब कुछ पता है, क्योंकि यार हमारे ग्रुप में यार सबसे खतरनाक प्लेयर यही है। इसके पास हर क्वेश्चन का आंसर रहता है। एंड देखो यार इस बार मेरी और इसकी बैटल थी तो मेरे तो पसीने से वैसे भी नहा लिया था मैंने, क्योंकि यार इतना खतरनाक प्लेयर मेरे साथ बैटल करने वाला था। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है यार, मतलब बहुत ही इंटेंसिव बैटल चल रहा था, ठीक है। कभी कभी लग रहा था मैच वन साइड होने वाला है, कभी कभी लग रहा था कि गेमिंग टैक्टिक्स जीतेंगे एंड कभी कभी लग रहा था कि मैं जीत जाऊँगा, ठीक है। तो यार देखो फाइनली जीतता कौन है वो देखने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। एंड इतना अच्छा बैटल है ना, क्या बताओ यार, मतलब खुद ही तारीफ कर रहा हूँ आई नो, बट खतरनाक बैटल होने वाला है, ठीक है। एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड हाँ, अगर आपको अपोजिट साइड से देखना है तो गेमिंग टैक्टिक्स के चैनल पर जाके देख लो, उन्होंने शायद वीडियो कर दिया आज 3 बजे, तो मतलब मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड कल अपलोड करने वाला हूँ, तो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ आई नो। तो ये आप उनके चैनल पर भी जाके देख सकते हो, गेमिंग टैक्टिक्स लिख चाहेंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब में जाके लिख दो लेजी ट्रेनर्स टूर्नामेंट, तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किया है अभी तक, तो यार कर देना जाके, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर मैं फोर्ट्रेस यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे करना था स्पाइक्स यूज़, ठीक है। तो मतलब शुरुआत से ही पूरा प्लानिंग करके आया था कि भाई स्पाइक्स यूज़ करेंगे, सेल्थ्रॉक यूज़ करेंगे, फिर सबको हरा देंगे यार मजे से, एकदम परफेक्ट परफेक्ट वाला प्लान बना के आया था। तो यार तुम्हारे भाई को हराना तो वैसे भी मुश्किल है, और ऊपर से परफेक्ट प्लान, तो मज़ा आने वाला है बहुत यार। तो देखो यहाँ पर मैं 2 बार स्पाइक्स यूज़ किया, फिर ब्लेजी को बुलाया कि भाई ब्लेजी द लेजेंडरी गेम, मतलब द लेजेंडरी पोकेमॉन हमको सुरक्षा करेगा, ठीक है, 1-2 टर्न के लिए। लेकिन भाई हो नहीं पाया, कसम से 1 हिट में नॉकआउट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया यार, क्या बोलूँ। तो मैं आरसीएस को बुलाता हूँ यहाँ पर, एंड वो प्राइमल कैगरे को बुलाता है यार, वो भी शाइनी वाला, ठीक है, नॉर्मल वाला नहीं, शाइनी वाला। तो मेरी तो हालत खस्ती हो रही थी एंड मुझे याद नहीं था शाइनी वाला लाने का, तो मैंने यहाँ पर सेल्थ्रॉक यूज़ किया एंड फिर अपने पोकेमॉन को स्विच कर दिया, क्योंकि भाई काय को पंगे लेने, इससे वैसे भी मारा जाता मैं अगर रहता था। तो यहाँ पर मैं पालकिया को बुला लेता हूँ, क्योंकि यार ये ड्रैगन टाइप है, ऊपर से वाटर टाइप है, तो अच्छा हो सकता था मेरे लिए, बट आते ही यार बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था उसने। एंड मैंने फिर यूज़ किया ड्रैगन टेल, ठीक है, जिससे उसको डैमेज भी हो एंड उसका पोकेमॉन स्विच भी हो जाए, ठीक है। तो वो वापस से बुला लेता है कैगरे को, एंड स्पाइक्स एंड सेल्थ्रॉक की वजह से उसकी HP जो है बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। एंड फाइनली मैं एक थंडर अटैक करता हूँ एंड वो फिनिश, लिटरली बहुत ही अच्छा लगा, पहला पोकेमॉन डिफीट कर दिया उसका। तो उसके बाद वो बुलाता है रायकुआजा, एंड इस बार मुझे लगता है कि भाई गलत पंगा ले लिया मैंने, मतलब एक ही बार में ख़त्म मेरा पाल किया। तो मैं कायगरो को बुला लेता हूँ, क्योंकि भाई आ जा तू एंड थोड़ा सा आइस बीम अटैक कर दे। तो आता तो है बट वो अपने पोकेमॉन को स्विच कर लेता है एंड मैं आइस बीम यूज़ करता हूँ लूगिया के ऊपर, तो अच्छा है क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप था तो आइस बीम का असर होता था इसके ऊपर। एंड फिर थंडर अटैक करता हूँ तो भाई सब ख़त्म उसका पोकेमॉन, ठीक है। तो वापस से रायकुआजा को बुला लेता है एंड इस बार देखो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो यार मेरा पोकेमॉन गया, ठीक है, एक्चुअली गाड़ी आ रहा था बाजू में से एंड तुम्हारा भाई आलसी है तो वीडियो को एडिट नहीं कर रहा, रहने दो। तो यहाँ पर म्यूटू को बुला लेता हूँ एंड उसको मेगा कर देता हूँ एंड लिटरली ये वाला जो फॉर्म है ना म्यूटू का, गजब का फॉर्म है भाई ये, इस वाले को आप यूज़ करना ज़रूर से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक वाला म्यूटू का फॉर्म है ये। एंड मैं इसे ड्रेन पंच इस्तेमाल करता हूँ एंड देखो हेल्थ, देखो भाई इतना कम हेल्थ कैसे हो गया मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने देखा भी नहीं यार उसने कि अटैक कौन सा किया था। बट मैं यहाँ पर पोकेमॉन स्विच कर लेता हूँ दोबारा से एंड इस बार मेरा गया, फोर्ट्रेस भी गया इस बार, अच्छी बात है। तो मैं आरसीएस को बुला लेता हूँ एंड अर्थक्विक इस्तेमाल करता हूँ, बट आरसीएस भी गया भाई, लिटरली वन साइड हो गया था ना मैच ऐसा लग रहा है। बट फिर मेरा म्यूटू आता है एंड भाई 1-2 को वही निपटा देता है, बट मज़ा ही आ गया, दिल को बहुत सुकून मिला, मैंने को लगा कि यार पहली बार मैंने कोई अच्छा काम किया है म्यूटू को इस वाले फॉर्म में ला के, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत ही सही चल रहा था, बट फिर आता है जर्नियस, भाई ख़त्म, यहीं पे मैच ख़त्म और कुछ बचा ही नहीं है।
मतलब जेनियस को बुलाता है, उसको आइस बीम अटैक करता है, फ्रोजन भी होता है। मैंने बोला हाँ जीत जाऊंगा मैं, फ्रोजन हो गया अटैक नहीं कर पाएगा, बट पता नहीं यार कैसे उसने अटैक कर दिया एंड तुम्हारे भाई के ये लग गया। ठीक है तो एंड भाई जीत गया, हार गया तुम्हारा भाई, क्या बताओ। बट होता रहता है यार टूर्नामेंट में, यार देखो हार जीत तो होती रहती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार गेमिंग टैक्टिक्स, आपने इस तरह के से मेरे को हराया। बट एक्चुअली बहुत ही अच्छी बैटल थी, कोई बता नहीं सकता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कभी कभी लग रहा था मैच ऑन साइड होने वाला है और मैं हार जाऊंगा, और मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि यार बहुत ही अच्छे प्लेयर है गेमिंग टैक्टिक्स। अगर आप उनके चैनल को नहीं देखा है अभी तक तो यार जाओ जाके देख लो, बहुत ही अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना उनके, एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, बाद में उनका चैनल चेकआउट कर लेना। तो गाइस बस यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।